बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला आपका, गुफ्तगू का आगाज़ आज के प्रोग्राम का कल छपने वाली एक खबर से मैं करना चाहती हूँ। और ये खबर कल अखबार द न्यूज़ में उमर चीमा साहब की थी, गेम इज़ ओवर के नाम से, यानी खेल ख़त्म हो चुका। इससे पहले पार्टी इज़ ओवर आपने सुना होगा, कोई कह रहे हैं कि मैच ख़त्म हो गया। बहरहाल इस खबर के अंदर बहुत अहम नुकात हैं जो कि आपके सामने रखने बहुत ज़रूरी हैं और उस पर गुफ्तगू करना भी। इस खबर में जो लिखा है उमर चीमा ने, और ज़ाहिर है कि बहुत ही अहम पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं, बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, और पानामा पेपर्स के हवाले से उनका नाम हमेशा लिया जाता है, उन्होंने बड़ा काम इस पर किया। वो ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म का जमहूरियत पर लेक्चर, ये इक्तबासात मैं आपको सुना रही हूँ। शुरू होने से कुछ कबल एक हाई प्रोफाइल इजलास मुनक्किद हुआ जो कराची में प्राइम मिनिस्टर ने उस दिन टेक्नोक्रेट्स और नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी। उससे पहले उन्होंने कहा कि लेक्चर से पहले एक हाई प्रोफाइल इजलास मुनक्किद हुआ था। ये इस्टेब्लिशमेंट के एक बाअसर रुकन और सिविलियन सेटअप के एक अहम अहदेदार के दरमियान हुआ। सिविलियन को बताया गया कि खेल खत्म हो चुका है। इस्टेब्लिशमेंट के बासर रुकन ने वजाहत की कि इतनी ज्यादा गड़बड़ के साथ हुकूमत जारी नहीं रह सकती। मौजूदा सेटअप के खिलाफ माशी आदाद व शुमार चार्जशीट में सबसे ऊपर है। यानी जो वजूहात बताई गई इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो ये थी, कौमी खजाने का खाली होना तश्वीश की वजह बताया गया। ये इस्टेब्लिशमेंट का मुस्तकबिल में आने वाला मनसूबा है। अदलिया के खिलाफ बेरहमाना मुहिम और उसे इस्टेब्लिशमेंट से जोड़ने की कोशिश नवाज शरीफ को निकालने के लिए की गई थी। कानून में तरमीम के जरिए नाअहल वजीर आजम को पार्टी सरबराह के तौर पर वापस लाने को भी पसंद नहीं किया गया। इस हुकूमत की साख क्या होगी जिसे अदालत से एक नाअहल शख्स रिमोट कंट्रोल चला रहा हो, अदालत से जो नाअहल किए गए शख्स हैं वो रिमोट कंट्रोल से चला रहे हों। ये मुबैना तौर पर वो बातचीत है जो कि इस्टेब्लिशमेंट के एक आला अहदेदार और हुकूमती आला अहदेदार के दरमियान उस तकरीर से पहले हुई है जो कि प्राइम मिनिस्टर ने फिर की। उसके बाद आगे जाके अखबार ये लिखता है कि तब्दीली के लिए दो मुमकिना मंसूबे जेरे गौर हैं, एक हुक्मरान जमात में फॉरवर्ड ब्लॉक की तश्कील और दूसरा इस्लामाबाद की जानिब मार्च। मशरिक़ वुस्ता के दो मुमालिक ने नए सेटअप, बीच में फिर वो है कि वो किस तरह से होगा उसकी डिटेल में नहीं जाते। मशरिक़ वुस्ता के दो मुमालिक ने नए सेटअप के क़याम की सूरत में बेल आउट पैकेज पेश करने पर रजामंदी जाहिर की है। और ये याद रहे कि तबसरा निगार और तजिया निगार जो हाल ही में आर्मी चीफ के दौरे हैं और आज भी वो सऊदी अरब के दौरे पर हैं, उसको इनसे लिंक कर रहे हैं। मुमकिन तब्दीली का मंसूबा न सिर्फ अंदरूनी बल्कि बैरूनी जिहाद भी रखता है। नवाज शरीफ की जानिब से यमन के लिए फौजी दस्तों की फ्राहमी से इनकार को अभी तक नहीं भुलाया गया। यह इत्तफाकी मुताबिकत ट्रंप इंतजामिया के साथ अचानक बेहतर ताल्लुकात से हुई है। अफगान सदर पाकिस्तान आ रहे हैं, रॉ और ISI के सरबराहान की साबिक सरबराहान की लंदन में मुलाकात इस अज़्म पर खत्म हुई कि नफरत से गुरेज किया जाए। क्या खित्ते में तारीखी मौके को गिरफ्त में लेने के लिए एक स्टेज तैयार किया जा रहा है, ये अखबार ने लिखा। इस अखबार को छपने के बाद हमने कल प्राइम मिनिस्टर के इस स्टोरी के उनसे बहुत सी सवालात भी किए। जो अहम बात हमने नोटिस की वो ये थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो रवैये हैं वो गुज़िश्ता कई दिनों से जो है वो काफ़ी बदले हुए नज़र आ रहे हैं। क्या जो मैसेज है वो दैट इज़ प्रॉपरली कन्वेड और मैसेज इज़ प्रॉपरली एंड इट्स वेल रिसीव्ड, ये सबसे अहम सवाल है। क्या उस पैगाम को सही तरीके से वसूल कर लिया गया है, समझ लिया गया है, हुकूमत बाज आ गई है, ये एक अहम सवाल है जिसके ऊपर हम बात करेंगे। और नून लीग की जो हॉक्स हैं उसके वो अब थोड़े से धीमे मिजाज के नजर आ रहे हैं। मैं आपको पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट्स हुई और जो लबो लहजा था PMLN का वो मैं आपको सुनवाना चाहती हूँ और उसके बाद हम मौजू को आगे बढ़ाएंगे, जरा सुनिएगा। मुझे तो एक मिनट में पांच जजों ने फारिग कर दिया। करोड़ों आवाम के वोटों की ये तौहीन है या नहीं है? एक अदालत में इंसाफ नहीं मिला तो दूसरे में मिल जाए। अदालतों से महाजराई करनी, अदालतों को बुरा भला कहना, ये ना हमारी पार्टी लीडरशिप के हक में है, ना हमारी पार्टी के हक में है, ना मुल्क के हक में। मुझसे अगर आप ये तो रखें, ये मैं कहूँ कि जी जज साजिश और मुलवस है, ये कोई माकूल बात नहीं होगी। जो लोग डू मोर कहते हैं, मैं उन्हें इस जनरल काउंसिल का पैगाम देता हूं, नो मोर, नो मोर, इनफ इज इनफ।
पाक फौज की पोस्ट के ऊपर हुकूमत खड़ी है और हुकूमत की पोस्ट के ऊपर पाक फौज है। जमहूरियत को पाक फौज से कोई खतरा नहीं है, और इंशाल्लाह कोई ऐसा काम नहीं होगा जो कि आईन और कानून से बलात्कार होगा। दुआएं गर्दिश करती हैं, कभी कोई टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट लाने की बातचीत हो रही है या कोई इफेक्ट तो मार्शाला लग रहा है। मुल्क में तरक्की करनी है तो इसमें हर किस्म का इस्तेकाम होना जरूरी है। सो ये तो मैसेज था जो कि साफ था कि कोई ऐसी चीज नहीं होगी, लेकिन जो भी होगा आईन के मुताबिक होगा। अब आईन के मुताबिक भी इस खबर में बहुत सी चीजें लिखी हैं, वो क्या हो सकती है क्या नहीं, इसके ऊपर हम जरूर बात करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे खान साहब और जहांगीर तरीन साहब का जो मुकदमा है वो इस नहज पर पहुंच चुका है जहां कहा जा रहा है कि नाअहली के इम्कान भी हो सकते हैं या बढ़ चुके हैं। मौशी अशारिये के ऊपर आपने सुना ही है और तहरीक इंसाफ एक और धरने की तरफ इशारा भी कर रही है। ये जो बयानात मुख्तलिफ थे, क्या ये हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो लीडरशिप है उसको बात समझ में आ गई जो चौधरी निसार काफ़ी अर्सा पहले कह रहे थे? अगर चौधरी निसार की बात उस वक्त मान ली जाती तो शायद अब तक ये हालात इस नहज तक ना पहुँचे। इस पर हम ज़रूर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है जनाब आफ्ताब बाजवा साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं सुप्रीम कोर्ट बार के और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ आवरी का। थोड़ी देर में हमें मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि सीनियर जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक है और अभी थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। हमें ज्वाइन करें नॉर्वे से जनाब कबर जबान कायरा साहब, स्काइप के ऊपर हमारे साथ होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अगेन सेंट्रल पंजाब के सदर हैं और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वफाकी वजीर रह चुके हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली जहरी साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं। माशाल्लाह काफी हमारा आज सीनियर पैनल है और कराची से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अली जैदी साहब आपका भी। आफ्ताब बाजवा साहब आपसे पहले शुरू करूं क्योंकि आपका वैसे तो आप एज अ लॉयर हम नैप के ऊपर भी आपसे बात करते हैं मुख्तलिफ चीजों पे, लेकिन आपको लगता है कि नून लीग की जो फाख्ताएं हैं वो अब प्रिवेल कर रही हैं और जो उनके हॉक्स थे वो पीछे चले गए? अब देखिए इन्होंने एकदम एक यू टर्न लिया है नून लीग ने, जो इनको समझ लग गई है कि जैसे डॉन लीग्स में जैसे फौज ने अपना किरदार अदा किया और उसके बाद उन्होंने भी मसालत की तरफ देखा कि नहीं पाकिस्तान के हालात ऐसे नहीं हैं और एक्शन ही लिए। अब यकदम जब इन्होंने अटैक शुरू किया, पहले उसके बाद अदालत पे फैसला आने पे अटैक शुरू किया, सुप्रीम कोर्ट बार पे हमला किया, फिर इन्होंने फिर उसके बाद जुलूस निकाले सारे, तो उसके बाद फिर जिस तरह के स्टेटमेंट्स इनके आए मुईशत पर आ गए और फिर इन्होंने तस्लीम भी किया कि हाँ मुईशत बहुत कमज़ोर है। और उसके बाद अब ये इनका कह देना कि हम फौज और ये हम एक खड़े हैं, और ये मुझे एक बात की समझ नहीं आती, यही आसिम इकबाल साहब देखिए स्टेट वर्सेस मरियम नवाज केस चल रहा है तो ये स्टेट मिनिस्टर है और स्टेट वहाँ पे मुल्ज़िमों की पैरवी के लिए गई हुई है और इंतहाई अफसोस के साथ यही स्टेट जो है वो मुचलके जमा करवा रही है। तारिक फजल साहब मिनिस्टर हैं, वो इनके मुचलका नवाज शरीफ साहब को मुल्ज़िमों के मुचलका जामन है। कभी ऐसे भी हुआ है मुल्ज़िमों की हमेशा स्टेट जो है मुखालफत करती है, सही, और हमेशा स्टेट वर्सेस मुल्ज़िमान होता है। तो आपको भी लगता है कि गेम इज ओवर? मुझे ये लग रहा है कि अब इनको समझ लग गई है कि आखिरी दिन है, तो जितने आखिरी दिन है वो अमन से गुजार ले, और वो बिल्कुल कुमर चीमा साहब की जो स्टोरी आपने पढ़ी है उससे तो यही नजर आ रहा है। और जो हालात हैं, हम भी जब बार में जाते हैं तो उस वक्त एक ही सवाल होता है कि अब क्या होने वाला है। जब कौम के अंदर ये बात आ जाए कि अब क्या होने वाला है तो फिर आवाज़ खल्क जो है वही बोलती है। गैर यकीनी की सूरत हाल है अली जैदी साहब, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान पीटीआई जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसकी तो काफ़ी गहरी निगाह भी है और आप समझते हैं कि ये चीज़ें जो इस वक्त हो रही हैं वो ठीक नहीं हो रही, लेकिन क्या ये गेम ओवर होने से आपके मामलात या जो पोलिटिकल सेटअप है वो सफ़र नहीं करेगा? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कोई गेम अनकॉन्स्टिट्यूशनल मूव कोई करेगा गेम ओवर करने के लिए। अस्मा प्लीज ये एको ठीक करवा लें। जी जी ठीक करते हैं, आप बोलिए। जी 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 मेरा अपना जाती ख्याल ये है कि ये इनकी ख्वाहिश जरूर है, ये नून लीग वालों की ख्वाहिश जरूर है कि ये सियासी शहीद बन जाए तो ये इदारों में या इदारों के साथ तसादुम कराना चाह रहे हैं। माने और खाली इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा क्योंकि उन्होंने बड़े मजाक़ा खेज बयान दिए हैं, मैं तो जुडिशरी की भी बात कर रहा हूँ। तो जुडिशरी के ऊपर भी उन्होंने जिस तरह के अटैक किए हैं मेरे ख्याल में बड़े सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया है हमारे ऑनरेबल जजेस ने, वरना तो शहजादी रानी से लेके और मियाँ साहब साहब सबके ऊपर कंटेम्प्ट लग सकती थी और बाकी जो आदूद मादूद उनके घूमते हैं उनके ऊपर तो कई दफा कंटेम्प्ट लग सकती ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स भी, क्योंकि मुझे याद है अस्मा आप भी कोर्ट में होती थी, अंदर एक कुछ और बात हो रही होती थी
और ये बाहर आके उस वक्त भी कुछ और बात कर रहे होते थे, एब्सोल्यूट अपोजिट बात कर रहे होते थे, अपना नैरेटिव बिल्ड कर रहे होते थे। जो कौम को तो नहीं पता ना कि अंदर क्या हो रही। इसलिए मैं कहता था कि हमारे यहाँ भी अमेरिका जैसा कानून होना चाहिए कम से कम। आप तो कल ही इस्लामाबाद से गए हैं, आप एग्री करते हैं कि गेम इज ओवर। बहुत सारे सीनियर सहाफी तजिया निगार ये लिख रहे हैं, कोई कह रहा है पार्टी इज ओवर, कोई कह रहा है मैच इज ओवर, कोई कह रहा है गेम इज ओवर। आपको लगता है कि गेम इज ओवर? अस्मा, गेम इनकी उस दिन ओवर हो गई थी जिस दिन नवाज शरीफ डिस्क्वालीफाई हुआ था। इसलिए कि इनकी जमात का नाम क्या है, PMLN, N स्टैंड्स फॉर नवाज। ये तो, और जो अभी स्टेट मिनिस्टर, ये बिल्कुल ठीक कहा आफताब साहब ने कि ये स्टेट वर्सेस नवाज, स्टेट वर्सेस शरीफ का केस है, क्योंकि खाली नवाज नहीं है ना, उनकी फैमिली भी है, बेट बच्चे। और ये जो मिनिस्टरान कर रहे हैं कि ये आपके और मेरे और हम सबके टैक्स पेयर के पैसे के ऊपर उधर जाके ऐसे 20-20 गाड़ियों का एस्कॉर्ट दे रहे हैं कि पता नहीं कैसे क्या हो गया। क्या ऐसे इकबाल साहब को, जो इतने बड़े अरेस्टूल बनते हैं और इंटेलेक्चुअल, मुझे ये बताएं, आउटरेज उन्होंने शो की टीवी के ऊपर आके कि रेंजर्स आ गई और ये हो गया, उन्होंने क्या आउटरेज शो की नैब कोर्ट में जिस दिन वो पुलिस वालों के ऊपर इनके लॉयर्स ने धाबा बोल दिया था, हाथ उठा दी यूनिफॉर्म ऑफिसर्स पे, कि उनका कोई स्टेटमेंट आया, वॉज ही देयर, क्या वो आए, उन्होंने आउटरेज शो की जब एक मरियम नवाज 50 गाड़ियां लेके वहां पहुंच जाती हैं, क्या वो आउटरीच शो कर रहे हैं कि जब एक कॉन्विक्ट जो आखिर उनकी हुकूमत गई है, आप उनको ये तो नहीं कह सकते कि वो कोई बात ही नहीं करेंगे। वो ये भी नहीं कहेंगे कि उनके साथ ज्यादती हुई है। वो कहते हैं जी, वो तो साबिक वजीर आजम कहते हैं कि हमारे पास अपील का हक भी नहीं है, कोई और हक भी मौजूद नहीं है। तो फिर इस तरह से किस तरह से वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे अपने वोटर के लिए कि नहीं कहेंगे? एक लाइन में जवाब दे दूं, हाँ एक लाइन में जवाब दे दूं। देखें, इनका जो नैरेटिव ये बिल्ड कर रहे हैं ना, मुझे क्यों निकाला नैरेटिव, वो ये है कि जनाब 5 लोगों के पास ये ताकत नहीं है कि अवाम का दिया हुआ मैंडेट के किसी आदमी को फारिग कर दें। ये इनका, यही इनकी लाइन है ना, सबकी लाइन यही है। तो अगर ये बात है, और उसी लाइन के ऊपर उन्होंने वो लॉ भी पास करा दिया है जिसका एक मैं भी पिटिशनर हूं, मैंने भी चैलेंज कर दिया उसको हाईकोर्ट में सिंध। अगर इनकी ये नैरेटिव है तो कल आप सुप्रीम कोर्ट बंद कर देते हैं ना, फिर पुलिस भी बंद कर दे, एफआईआर भी बंद कर दे। अच्छा, कायरा साहब के साथ हमारा रابطہ, कायरा साहब के साथ हमारा रابطہ हो रहा है। मैं अगर टेलीफोन पे हैं तो मैं उनसे टेलीफोन पे बात करना चाहूंगी, क्योंकि स्काइप के ऊपर है और वो शायद थोड़ा सा हैंग हो रहा है। लेकिन बाजवा साहब, ये जो चीज बात कर रहे हैं कि मतलब गेम इज ओवर है या जो कुछ भी है, पीएमएलएन जो है वो अपने केस को किस तरह से लड़े? देखिए, नैब के अंदर वो जा रहे हैं, अभी साबिक वजीर आजम को फर्दे जुर्म उनके ऊपर आयद हो जाएगी, वो नहीं भी आएंगे, जब भी हो जाएगी। वैसे इस्तस्ना की भी बात हो रही है कि शायद उनको मुस्तस्ना कर दिया जाए कि वो कार्रवाई में ना आए। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं होती। कानून में जो है मुल्जम का पेश होना जरूरी होता है, क्योंकि उसके थंब इंप्रेशन लगता है, उस जो चार्ज होता है। कल को आके ये कहेगा जी मेरी मौजूदगी में तो चार्ज हुआ नहीं। चार्ज के लिए जरूरी है मुल्जमान का होना, हमेशा होता है, और ये कुछ स्पेशल केस नहीं है, इसे ऑर्डिनरी केस लेना। फिर इस तरह ये अदालतों की तस्दीक करना कि जी मुझे, मेरे 5 करोड़ों अवाम की जो है वो तजलील की गई है, पर्ची को फाड़ दिया गया है 5 जजेज ने 1 मिनट के अंदर। बहन आसमा, आप ये बताइए, क्या 5 करोड़ का अगर जनाजा होगा तो क्या मुर्दा जिंदा हो जाएगा? ये कैसी बातें कर रहे हैं नून लीग वाले? क्या इनकी इतनी इतनी मत जो है अल्लाह ताला ने मार दी? वो पंजाबी जी कहते ना, रब थले आके नहीं मारता, सिर्फ मत ही मारता है। इनकी मत की ये हालत है। बिल देखे ना लीग किस तरह पास हुए, किस तरह वो कादियान वाला मामला बीच में से निकाला। ये सारी के सारे जो हरकतें हैं, सारी इनकी अल्लाह ताला ने मत इतनी मार दी। आपको लगता है कि वो आखिरी कोशिश थी जो कादियानियों वाला मसला निकाला, और उसके अंदर जाहिर है कि आला अस्करी क्यादत को भी हिट करने की कोशिश की गई, वो आपको लगता है कि वो ताबूत का आखिरी कील था जिसके बाद ये मैसेज दिया गया कि गेम इज ओवर? नहीं, बिल्कुल, ये इन्होंने जो भी अटेम्प्ट्स की हैं, ये तो कौम को और पूरी दुनिया को पता चल गया कि इनकी करप्शन तो सामने है। उसके बाद इनका ये अपने आप को बचाना और अपने आप को पाक साफ। अच्छा भाई साहब, कायरा साहब हमारे साथ हैं, और वो मजे की बात ये कि वो कहीं बड़े पुरफिजा मकाम पे है। कायरा साहब, आपकी आपसे रابطہ इसीलिए शायद नहीं हो रहा, लेकिन ये सर आप सुन रहे होंगे खबरें पाकिस्तान के अंदर कि गेम इज ओवर, पार्टी इज ओवर, आपको क्या लग रहा है, क्या तजिया है, क्या तबसरा है आपका एज अ पॉलिटिशियन के क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त? अस्मा, पाकिस्तान में जो कुछ इस वक्त चल रहा है वो बहुत बड़ा पुरतश्वीश है, इसलिए कि मुस्लिम लीग नवाज की, मियां नवाज शरीफ साहब, उनकी फैमिली, उनकी बेटी,
उनकी जमात की ये पूरी कोशिश है कि किसी तरह से मामला कोई गैर आइनी इकदाम उठाया जाए जिसकी बुनियाद पे मियां साहब को और उनके जी जी जो मियां साहब को एक ऐसी फिजा मिल सके, ठीक, एक ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल अमल उठा दिया जाए जिसकी वजह से मियां साहब को उनके जो इस वक्त रेफरेंसेस चल रहे हैं, जो उनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, वो चार्जेस किसी तरह से डिले हो जाए। अदरवाइज उनको पता है कि अगर चार्जेस चलते हैं तो उनके पास बचने का कोई रास्ता नहीं है और वो हर हाल में किसी गैर आईनी इकदाम का एक इस्तेमाल करना चाहते हैं। एक सूरत होती है कि सियासतदान किसी गैर आईनी सूरत हाल से अवॉइड करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे सूरत हाल यह है कि वो गैर आईनी सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं ताकि उनको इस जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, जो उनके खिलाफ रेफरेंसेस बने हुए हैं और करप्शन चार्जेस उनके खिलाफ आए हुए हैं, कोर्ट प्रोसीडिंग हो रही है, कोर्ट के अंदर होने वाली सूरत हाल, कोर्ट के बाहर होने वाली सूरत हाल और जो उनका नैरेटिव जो बयानिया इस वक्त चल रहा है वो इस बात का गमाज है कि वो किसी गैर आईनी सूरत हाल की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन कायद साहब इसका तो मतलब ये है कि अब जो बयान तब्दीली उनके अंदर आ रही है और जो नरम लहजा इख्तियार कर रहे हैं वुजरा भी वजीर आजम भी, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि जो मैसेज दिया गया था वो उन्होंने कबूल कर लिया, यानी हॉक्स जो है वो अब डव्स का किरदार अदा करना शुरू हो गए हैं। ये जो पसपाई है, ये जो विड्रॉल है, ये आपको लगता है कि उस पैगाम की वजह से है जो कि उनको मुबैना तौर पे दिया गया है कि बस अब खत्म कर दे वरना बहुत हो चुका है अब जो भी आपकी तरफ से हो रहा है? नहीं, आसमा ऐसा नहीं है। जो मौजूदा हुकूमत है वजीर आजम की और उनके वजरा की कोशिश तो यकीनन है गवर्नमेंट चले, उनकी जमात सर्वाइव करे। मियां नवाज शरीफ साहब को जमात की सर्वाइवल बाद में है, अपनी और अपने बच्चों, अपनी बेटी, अपने दामाद, अपने संबंधी की अगर सारा खानदान इस लपेट में आ जाता है और उसके बाद हुदैदिया पेपर और लाहौर बादल टाउन इंसिडेंट की वजह से डॉक्टर तैयब कादरी वाले इशू पे शहबाज शरीफ साहब और उनका खानदान भी इसमें आ जाता है लपेट में, तो उनको जमात के साथ इंटरेस्ट नहीं होगा। उनकी कोशिश यह है कि जमात अपनी जगह, मौजूदा हुकूमत वजीर आजम की तो कोशिश होगी, वो तो कह रहे हैं कि कोई क्राइसिस है ही नहीं, मरियम कह रही है क्राइसिस है, नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं फौज के साथ क्राइसिस है, वो कह रहे हैं हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, वजीर आजम और वजीर खारजा और वजीर दाखिला कह रहे हैं साजिश नहीं हो रही, अगर हुई तो हम मुकाबला करेंगे। तो मसला सीधा सीधा है कि हुकूमत वक्त कह रही है कि साजिश नहीं है ताकि काम चले, और मियां साहब का उनकी बचत का वाहिद रास्ता ये है कि क्लैश हो, लड़ाई हो, कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मामला जिस तरह माजी में होता रहा, हालांकि फौज ने वाजे तौर पर कहा कि हम कोई गैर आईनी कदम नहीं उठाएंगे, लेकिन उनकी तरफ से ये कोशिश है कि किसी तरीके से ये मामला ये किसी गैर आईनी उसके इकदाम की तरफ चला जाए। कायरा साहब वेल सेट सर, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ऐसा है तो इसका तो फायदा नहीं बल्कि पाकिस्तान को नुकसान होगा और पाकिस्तान की सियासी जमातों को नुकसान होगा। क्या पीएमएलएन ये चाहती है कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे, और अगर ऐसा चाहती है तो वो क्यों चाहती है? शहबाज शरीफ साहब ने क्या ये बात समझा दी है कि अगर अब इलेक्शन अगला आता है और वो जीत के वापस आना बेहतर होगा, ना कि सिस्टम को लपेट लपाट के घर बैठना और मुकदमात का मुकाबला करना? क्या ये बात वो समझा चुके हैं, समझ में आ गई है? पिछले कुछ दिनों के जो वुजरा के बयान हैं उससे यही लगता है कि अब थोड़ी थोड़ी समझ में आ रही है, लेकिन क्या बहुत देर तो नहीं हो गई? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर खुश आमदीद कहते हैं। हम मिफ्ता इस्माइल साहब का वेट कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि वो आ रहे हैं, सो लेट्स वेट। अच्छे दिनों का और अच्छी चीज़ों का बिल्कुल इंतज़ार और अच्छे मौकफ का भी करना चाहिए। लेकिन अली जैदी साहब अभी जो बात कर रहे थे कायरा साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी, और वो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कोई भी गैर आइनी कदम जो है वो सूट करेगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या सूट करेगा, क्योंकि आपको तो इलेक्शन सूट करता है जैसे हम सुनते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो नाहलियत की तलवार आपकी लीडरशिप के ऊपर लटक रही है उसके बाद फिर आपका मौकफ भी बदल सकता है? देखें अस्मा, मैं क्लियरिटी दे दूं आपको, किसी भी तौर पे कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेजर जो है वो हमें सूट नहीं करता।
पाकिस्तान को कोई चीज सूट नहीं करती, वो हमें सूट नहीं करती। तो मैं कायरा साहब की बात से बिल्कुल इत्तेफाक करूंगा 100%। हाँ, नून लीग को सियासी शहीद, मैंने आपसे पहले भी इसी शुरू में अपने पिछले उसमें मैंने यही कहा था कि ये चाह रहे हैं कि ये तसादुम हो इंस्टीट्यूशंस के दरमियान और इनका, ताकि ये फिर सियासी शहीद बने। इंशाल्लाह ये इनके साथ नहीं होने लगा, ये जाएंगे ही कोर्ट्स के थ्रू। जहां तक आपने बात की कि जी हमारे केसेस, खान साहब का जहां तक ताल्लुक है, सारी चीजें जमा करा दी हैं। वो आखिरी लाख पाउंड का वो शोर हंगामा था, वो भी जमा करा दिया है। असल में जो केस था, एक तो फ्रिवलेस, क्योंकि वो जिन साहब ने केस किया हनीफ अब्बासी, उनके तो अपने एसेट्स जो है वो एंटी नरकोटिक्स से सीज किए हुए, आपको ये भी पता होगा, वो मैं असल में सीज हुए हैं उनके एसेट्स, उन पे तो खुद ड्रग का केस चल रहा है। खैर, उन्होंने केस कर दिया, सुन भी लिया, उनका केस तो खत्म हो गया, क्योंकि उनका केस था मनी ट्रेल फॉर बनी गाला, वो तो दे दी। चीफ जस्टिस साहब ने एडिशनल सवाल ये पूछा कि जी अपार्टमेंट आपने लंदन का कैसे खरीदा था, उसकी भी हमने दे दी। हालांकि खान साहब ना कभी पॉलिटिकल ऑफिस मगर जैदी साहब आज जो बात हुई है ना उसमें, नहीं आज जो बात हुई है ना उसमें उन्होंने कहा है कि खान साहब के दस्तखतों में भी तजाद है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। और उन्होंने कहा कि जो जमायमा साहिबा की तरफ से 99,000 पाउंड भिजवाए गए हैं, वो उस पर पहले मौकफ कुछ और था और अब उसका जो मौकफ है वो कुछ और है। यानी उन्होंने जो तजादात थे वो निकाल के आज कोर्ट ने बताए, और कहा जा रहा है कि आज बहुत ही अहम तरीन मोड़ पे ये मामला आ गया है खान साहब की नाइलियत या जो उनके असासे हैं उनके हवाले से। बेसिक फैक्ट ऑफ लाइफ ये है कि खान साहब कभी भी पैसा वहां से यहां आया, ठीक, और वहां जो अपार्टमेंट खरीदा वो क्रिकेट की कमाई भी खरीदा। अब वो अकरम शेख साहब ने तो कोर्ट में ये भी कह दिया, हमें क्या पता कि इनको क्रिकेट खेलने के पैसे मिलते थे कि नहीं मिलते। अच्छा, थे अब इससे ज्यादा बाजार बात तो कोई कर नहीं सकता, ये कोर्ट में उन्होंने कहा। हाँ। आपने जो देयरफॉर हमें इसकी कोई फिक्र नहीं है। जहां तक जहांगीर तरीन साहब का है ताल्लुक, वो इतफाक से कि मैं कल लॉयर्स के पास बैठा था, वो तो सारा का सारा उनका डिटेल्ड हिसाब किताब वो भी जमा करा चुके हैं। अब सुप्रीम कोर्ट, तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ये क्यों कह रही है कि जी ये 72,000 या पता नहीं कितने पाउंड्स, बाजवा साहब आप फॉलो कर रहे हैं इस केस को, आपको क्या लगता है ये कितना सेंसिटिव मामला है, ये बनाया जा रहा है कि खान साहब और जहांगीर तरीन जो हैं उनके खिलाफ एक जो लोग बहुत से और कह रहे हैं बैलेंस और फलाडम का। मैं आसमान आज इसका जवाब देने से पहले बता दूं, कल हम कोर्ट में मौजूद थे, क्वेटा ब्लास्ट केस जो हमारा वकला चल रहा है, एक जज साहब ने बहुत बड़े रिमार्क्स दिए, मुल्क इस वक्त इमरजेंसी में है और मुल्क इंतहाई मुश्किल हालात से गुजर रहा है। किसकी वजह से? इन सियासतदानों की वजह से। ये वो सियासतदान है जिन्होंने नाहली के बिल को किस तरह पास किया, किसी ने बाद में कह दिया क्लरिकल मिस्टेक है, किसी ने पढ़ा ही नहीं। अगर इसी तरह के सेनेट पार्लियामेंटेरियन रह गए तो कल को ये बात आ जाएगी कि इंडिया के साथ जो सरहद लगती है, जो ईरान के साथ सरहद लगती है मुल्क की, जो चाइना के साथ सरहद लगती है, वरना ये इनको दे दो और बिल पास करा लेंगे। कौम इनसे अब उकता चुकी है, इन पार्लियामेंटेरियन से। अगर इसी तरह के पार्लियामेंटेरियन रह गए तो ये मुल्क को लूटिया भाई कौम को लूट रहे हैं। अच्छा अच्छा, चले ये तो ये बाजवा साहब ने जो, मैं मिफ्ता साहब का इस पे पॉइंट ऑफ व्यू लेती हूँ। मिफ्ता साहब, हालात यहाँ तक पहुंच गए कि अब सिर्फ पार्लियामेंट पे नहीं पूरे सियासतदानों के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं जो बाजवा साहब कह रहे हैं। मिफ्ता साहब जी आपसे सवाल है सर, ये तो पूरी पार्लियामेंट और पूरे सियासतदान पूरे निजाम के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं ना इस वक्त। देखिए सॉरी, मैं सवाल नहीं सुन सका, कौन साहब कह रहे हैं कि आफ्ताब बाजवा साहब सुप्रीम कोर्ट के जो जनरल सेक्रेटरी हैं। जी देखिए, जो अभी सवाल है वो ये है कि खान साहब ने मनी ट्रेल दी है कि नहीं, और अली जाजी साहब ने फरमाया कि उन्होंने ट्रेल दे दी। एक्चुअली उन्होंने एक पहले उन्होंने फरमाया था कि ये जो है वो क्रिकेट की अर्निंग थी, इसके बाद उन्होंने फरमाया नहीं बेगम से गिफ्ट था, फिर उन्होंने फरमाया नहीं बेगम से लोन है, तो वो एक ट्रेल नहीं, वो तो एक्चुअली बतेरी ट्रेल दे चुके हैं माशाल्लाह से उस पैसे को, लेकिन वो अभी तक कोई खातिर खा स्ट्रेट जवाब नहीं आया। लेकिन बहरहाल ये दिस इज फॉर नॉट फॉर मी टू डिसाइड, दिस इज फॉर द सुप्रीम कोर्ट फॉर डिसाइड। सही। तो लेकिन जहां तक मुस्लिम का ताल्लुक है तो मैं लोगों को ये पूछता हूँ कि कोई एक, हम इतने ऐसे से हुकूमत कर रहे हैं, मियां साहब की 30 साल की चाहत हो गई, कोई एक आदमी बता दो, कोई एक प्रोजेक्ट बता दो जिसमें खुदा ना खास्ता हमने कोई किक बैक लिया हो, अगर कोई रिश्वत दी हो या किसी से रिश्वत दी हो, तो एक सबूत सामने नहीं आया है। तो मेरे ख्याल से हमारे ऊपर तो इस किस्म के सवाल नहीं आते, अगर औरों के ऊपर आते हैं तो मैं इसके बारे में क्या कह सकता हूँ।
अच्छा अच्छा मैं क्विक ब्रेक लेना चाह रही हूँ विफ्ता साहब, हम आपका स्टूडियो में भी इंतजार कर रहे हैं लेकिन आई होप के बात होती रहेगी। एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। जो बाजवा साहब ने बात की है यही असल बात है और इसी के ऊपर सवाल भी उठाए जा रहे हैं, यही वो बुनियाद भी बन सकती है ये चीज़ें जो कि पाकिस्तान के अंदर जो पार्लिमानी निज़ाम है उसके ऊपर। सो ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि सिस्टम के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं जिस तरह नाहलियत के हवाले से और फिर कानून साजी हुई है उसके हवाले से और फिर इस वक्त सारी पॉलिटिकल क़यादत, मिफ्ता साहब जो भी ब्रेक से पहले बाजवा साहब बात कर रहे थे, मतलब खान साहब का भी मुकदमा चल रहा है, जहांगीर तरीन साहब का भी मुकदमा चल रहा है, एक वज़ीर आज़म नाअहल हो चुके हैं, ये क्या हो रहा है? देखिए मैं तो सचमुच ये समझता हूँ कि खान साहब को बिल्कुल नाअहल नहीं करना चाहिए, सीरियसली मैं मतलब ये कि और पॉलिटिकल अरीना में उनको आना चाहिए और लोगों को फैसला करना चाहिए। ये जज साहिबान को शायद ये फैसला खुद नहीं करना चाहिए, ये मेरा ख्याल है। सिमिलरली आई ऑल्सो थिंक के मियां साहब को अकामे पे हटा देना मेरे ख्याल से उन लोगों के साथ ज्यादती थी जिन्होंने जाके नवाज शरीफ को गोते बहरहाल मतलब ये, लेकिन मतलब सुप्रीम कोर्ट जो समझती है बेहतर वो फैसला कर। मेरा ख्याल है कि इस किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए जुडिशल एक्टिविज्म की वजह से या जुडिशरी की, और जब भी जुडिशरी ने सियासत के कदम उठाया तो पाकिस्तान को कभी इसका फायदा नहीं हुआ है। तो अब वो इन्होंने हमारे खिलाफ ट्रेल लेके आए, हम इनसे ट्रेल पूछ रहे हैं ना, इनके पास ट्रेल है ना, मतलब 1950 में चले जाएं 1980 में चले जाएं तो ट्रेलें बड़ी मुश्किल हो सकती हैं, हम भी अगर आके बोलें कि जमान पार्क के घर बताओ कहाँ से आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। तो ये इस किस्म की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। कुछ एक कोड ऑफ कंडक्ट पॉलिटिशियंस में भी होना चाहिए कि थोड़ी बहुत चीज़ें तो किसी को हर बात पर तो बुरा ना करो। आज मुशरफ जैदी ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा है जिसमें कहा है कि अगर आप नवाज शरीफ को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं तो पता नहीं आप पीटीआई के स्टूज हैं, अगर आप पीटीआई को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। एग्जैक्टली वो तो कलमिया चल रहा है, अजीब सा वो हो चुका है। बिल्कुल सही बात है, आई थिंक थोड़ा सा टेम्परेचर कम करने की ये बिल्कुल ये कायरा साहब ये जो बात थी ना जुडिशियल एक्टिविज्म की, आप पीएमएलएन कह रही है, आप लोग जब कहते थे उनको समझ नहीं आती थी, अब उनको समझ आ गई है जी। अब उनको समझ आ गई और बड़े मिफ्ता साहब ने बड़े आराम से कहा जी बिल्कुल समझ आ गई है। तो सर ये तो फिर आगे भी हो सकता है, ये खान साहब के साथ भी होगा, तो इसका मतलब ये है कि चिराग सबके बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। अब देखिए आप इंडियन शो का कोट कर रहे हैं जी 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 कह रहे साहब, आपका इशू ये है कि जो कानूनी इशू है, जो आवाम का इशू है कि हुकूमत कौन करेगा, गवर्नेंस कौन कर सकेगा, इस मुल्क को लीड कौन करेगा, इस मुल्क में हुकूमत करने का हक किसको होगा, क्या फौज को होगा, किसी इंडिविजुअल को होगा, टेक्नोक्रेट्स को होगा या आवाम के मुंतखब नुमाइंदों को होगा, ये सवाल ये है कि ये फैसला तो आवाम ने करना है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आवाम किस बुनियाद पर फैसले करते हैं, ये भी एक बड़ा सवाल है क्योंकि आवाम सही मानों में फैसले नहीं कर रहे। अब तो सिस्टम पे सवाल उठ रहे हैं कायरा साहब, अब तो कह रहे हैं कि इस पार्लियामेंट का क्या फायदा, पार्लियामेंटेरियंस का क्या फायदा जी, ये एक वाकफ है बिल्कुल जी जी। नहीं नहीं मेरा सवाल ये है कि इसको एक तरफ रखिए, सवाल ये है कि अगर किसी हुक्मरान पे जो वक्त का वजीर आजम है उसको आवाम ने चुना, असम्बली ने चुना, उसने असम्बली को गैर मुतबर कर दिया, लेकिन अगर उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं, अगर उसके ऊपर किसी क्रिमिनल चार्जेस लग जाते हैं तो क्या फिर भी उसका ट्रायल नहीं होना चाहिए? क्या ये सवाल है कि वजीर आजम जो भी कर ले उसको ये इम्यूनिटी दे दो और सिर्फ आवाम फैसला करे? वजीर आजम नहीं, बिल्कुल नहीं, उनका एहतसाब तो होना चाहिए। इतनी सी बात कर लो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर कोई चोरी हो या करप्शन हो उसमें हटाई जाए, लेकिन अगर अकामे पे हटा रहे हैं या अगर आप कोई 20-30 साल जी जी सॉरी जी 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 देखिए गुजारिश ये है कि वजीर आजम नवाज शरीफ साहब पे पनामा का इशू बना और अकामा पे निकाले गए, अकामा पे नहीं निकाले गए, उनको दो जजेज ने कहा कि आपने कौम से झूठ बोला है, आपने कौम के नुमाइंदों से झूठ बोला है, आपने अदालत से झूठ बोला है और अदालत ने गलत डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं, और तीन जजेस ने बाकायदा उनके खिलाफ तहकीकात कराई जीआईटी से और उन्होंने ये फैसला दिया कि आपने कंसीलमेंट की है, आपने झूठ बोला है, आप एक कंपनी के सीईओ थे या चीफ चेयरमैन थे और उस कंपनी से आपने वो डॉक्यूमेंट पब्लिक नहीं किया, वो आपने कंसीलमेंट की है।
ये बिल्कुल गलत बात है कि उनको अकामे पे अच्छा अच्छा लेकिन है? लेकिन अच्छा अब अली जैदी साहब ठीक है ये बात तो हो गई पनामा और अकामा की, ये एक वैलिड क्वेश्चन बहरहाल उठाया जाता है वैलिड है या नहीं ये तो फैसला आवाम करेंगे। अली जैदी साहब जो इंसदाद दहशत गर्दी ने आज फैसला किया है कि खान साहब को गिरफ्तार किया जाए मौलाना कादरी के साथ, अब आप मुझे बताएं कि उनकी गिरफ्तारी का हुक्म हो चुका है, हुकूमत अगर उनको गिरफ्तार करेगी तो मसला, नहीं करेगी तो मसला, आप क्या समझते हैं कि ये जो हुआ था धरने के दौरान ये ठीक हुआ था और क्या खान साहब अदालतों के सामने पेश ना हो के अच्छी मिसाल दे रहे हैं? ये जो ईसीपी का एक आज लेटर आया ना, एक तो ईसीपी ने भी कहा कि जी इनको बिल्कुल वो तो कह दिया वो तो खुद वो पेश हो रहे 26 तारीख को, ये एंटी टेररिज्म एंटी टेररिस्ट कोर्ट का हुक्म आया आज, मतलब इमरान खान दहशतगर्द है, असद उमर भी दहशतगर्द है, इन सब पे कटी हुई है, शाह महमूद पे, जहांगीर तरीन पे, पता नहीं मेरा नाम मैं बच गया, बाकी सारों के ऊपर उन्होंने एफआईआर दहशतगर्दी की काट दी थी। तो फिर असेंबलियों में मेरे ख्याल में वो मसूद और ये जो है बाकी हकानी नेटवर्क इनको बैठा देते लाके, क्योंकि ये तो नहीं आता दूसरे तो आप अदालत में नहीं जाते, शायद ऐसे ना करे, कानून साहब के लिए बराबर है वो हजरत फातिमा बिनत कैस वाला वाकया तो आपको याद होगा सिफारिश कर दी कि ये बहुत बड़े कबीले की बदनामी हो रही है, तो नबी पाक सल्लम का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो गया था और उन्होंने कहा अगर फातिमा बिनत मोहम्मद अगर चोरी कर दी जो हाथ काटने की सजा देती, क्या इमरान खान के लिए क्या अदालतें नहीं है, कादी साहब के लिए अदालतें नहीं है, नवाज शरीफ अगर भाई आप तो खुदा के लिए अदालतों का एहतराम करो, अदालतों का एहतराम करना आप पर फर्ज है सियासतदानों पर, फिर कहते हो कि जनाब तीसरी अली भाई आपके पास आती हूँ, कायरे साहब का भी इनपुट ले लूं। जी कायरे साहब एक छोटी सी, देखिए अगर इमरान खान यकीनन इमरान खान पाकिस्तान की अदालतों में बिलीव करते हैं, उन्होंने अदालतों से बहुत बड़ा इंसाफ दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई किया, उनको हर हाल में जिस भी केस में अदालत बुलाए अगर इमरान उनको जाना चाहिए, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, उनको अदालत से किसी इंसाफ से तवक्को नहीं करनी चाहिए थे। अली जैदी साहब उनको हर हाल में अदालत में पेश होना चाहिए, बिल्कुल अली जैदी साहब क्या हर्ज है, वो तो खान साहब का तो कोई बड़े आप कहते हैं मुकदमात नहीं। जी देखें जी देखें दिस पे दो ओपिनियंस हैं क्लियर कट, हमारी पार्टी के अंदर भी दो ओपिनियंस हैं, फैसला खान साहब ने करना है। एक ओपिनियन ये है कि आप असमा शिराजी के नेम शो कर लिया जी खिलाफ अगर हुकूमत है वक्त के कोई भी हुकूमत हो और वो असमा शिराजी के ऊपर भी कटा दें फजूल की झूठी एफआईआर। अब ये तो प्रेशर टैक्टिक्स हमारे मुल्क में चलती रही हैं, एक थॉट ये कि जी आप उसको क्यों देते हैं इतनी झूठी एफआईआर, दूसरी थॉट ये है कि आप अदालत में जाके और इसको चैलेंज करें एफआईआर को, बल्कि पूरे की पूरे प्रोसेस को चैलेंज करेंगे एफआईआर कैसे काटी थी, ये तो अगर मुझ पे एफआईआर होगी तो मैं तो फैसला नहीं करूंगी ना कि ये गलत है ये सही है, मुझे अदालत तो जाना ही पड़ेगा कि फैसला करे चोरी का मुकदमा हुआ था वो भी अदालत में पेश हुए थे। जी 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 का बात अगर खत्म हो जाती तो अच्छा होता है या सच्चा है, अदालत में पेश होना उनकी जिम्मेदारी है क्योंकि वो जी अली जैद साहब बिल्कुल सही बात है उनकी बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है। मैं वही आपसे अर्ज कर रहा था कि ये दो राय थी, ये फैसला आप खान साहब करेंगे, हमने मेरी अपनी राय थी, मैंने कहा जी कर दे जाके एक गुजारिश मैं करना चाहता हूँ, देखें इसमें दो राय नहीं हो सकती है, हम एक सिविलाइज सोसाइटी में रहते हैं, एक माशरे में रहते हैं जिसमें कुछ कानून होते हैं जिसको फॉलो करना जरूरी होता है, अगर फॉर इंस्टेंस किसी चोर के ऊपर आप चोरी की सजा लगाते हैं एफआईआर का, और वो चोर को थोड़ी आप डिस्क्रेशन देते हैं कि तुम डिसाइड करो मियां तुमको जाना या नहीं जाना, लेकिन आप गिरफ्तार क्यों नहीं करते मिफ्ता साहब, आप भी तो गिरफ्तार करें ना, मेरी अच्छा चलो उस पर भी बात कर ले, नहीं सपोज हमारी हुकूमत जो है उसकी कोताही है कि उनको गिरफ्तार नहीं कर रही, लेकिन क्या इमरान खान साहब का एज अ सिटीजन ये फर्ज नहीं है कि वो खुद जाए, कि हम तो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग टैक्स नहीं देते, हम सबको नहीं पकड़ सकते, लेकिन क्या खान साहब का या मेरा या आपका फर्ज नहीं है कि हम टैक्स दें, तो ये थोड़ी कह सकते हैं आपके उसने हमको पकड़ा नहीं इसलिए हम टैक्स नहीं देंगे,
मतलब ये कोई बात तो नहीं, बिल्कुल गलत। अब अगर आज आज इनसे ज्यादा दहशतगर्दी की अदालत ने, आप देखें कितनी कितनी बुरी बात है कि इतने बड़े लीडर हैं खान साहब, इस मुल्क का असासा है खान साहब की पार्टी, ये जमहूरियत का असासा है, और इतना बड़ा लीडर जो है उसके खिलाफ दहशतगर्दी का निकला और वो जान ही जिस कोर्ट के सिस्टम के उसमें तकमील में मियां नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर छोड़ के चले गए, इमरान खान साहब उधर नहीं जा सकते। बिल्कुल अली जैद साहब इस पे जवाब दे दीजिए। आत्मा एक मिनट रुके जी जी एक मिनट रुके जी। सवाल ये है, इमरान खान को केस झूठा है या सच्चा है? उनको जाना चाहिए, अदालत में पेश होना चाहिए, बिल्कुल, या उनको अदालती निजाम पे अदम एतमाद करते हुए फिर अदालत से किसी इंसाफ की तवक्को नहीं करनी बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल साहब, ये दो राय अब एक राय हो गई है, क्या आप समझते हैं कि खान साहब अब चले जाएं? आत्मा एक मिनट जी जी, आत्मा एक मिनट जी जी। मैं इमरान खान की बहुत इज्जत करता हूँ बिल्कुल, लेकिन अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो बिल्कुल गिरफ्तार करके पेश करना चाहिए।